हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाली पांच बड़ी सुपर हीरो फिल्म्स के बारे में। हर साल की तरह 2023 में भी कई बड़ी सुपर हीरो फिल्में आने वाली हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, इनमें ज्यादातर फिल्में डीसी और मार्वल की होंगी, क्योंकि आजकल सुपर हीरो का मतलब ही डीसी और मार्वल है। तो 2023 में डीसी और मार्वल की करीब 9 फिल्में आने वाली हैं। एक और सुपर हीरो फिल्म आने वाली है जो निंजा टर्टल पर बेस्ड होगी। तो टोटल 10 सुपर हीरो फिल्में आने वाली हैं। अभी हम सिर्फ 5 ही फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो 2023 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होंगी। बाकी 5 फिल्में जो सेकंड हाफ में रिलीज होंगी, उन फिल्मों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं 2023 में आने वाली 5 बड़ी सुपर हीरो फिल्म के बारे में। ड्रैगन के मुंह पे ट्रक फेंक के मारा, फैंस खुश हो जाएंगे। नंबर 5, एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। सबसे पहले यानी कि 2023 के स्टार्ट में जो सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म रिलीज होगी, उस फिल्म का नाम है क्वांटमेनिया। ये एमसीयू की 31वीं फिल्म है और ये फिल्म एंट मैन की 3री फिल्म है। और एमसीयू की ये फिल्म काफी खास होगी क्योंकि ये वही फिल्म है जिसे एमसीयू के फेज 5 की शुरुआत होगी। और फेज 5 के शुरुआत में ही सबसे पावरफुल विलन कैंग द कॉन्करर को दिखाया जाएगा। जब फिल्म के ट्रेलर में इस कैरेक्टर को दिखाया गया था तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एमसीयू कैंग द कॉन्करर को लेके आ रहा है। ट्रेलर काफी जबरदस्त है और उम्मीद है कि फिल्म भी काफी अच्छी होगी। एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। तो क्या कहते हो एंट मैन? नंबर 4, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। 2023 की दूसरी सुपर हीरो फिल्म है फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। डीसी की ये फिल्म डीसी यूनिवर्स की 12वीं फिल्म है और ये फिल्म 2019 की सुपरहिट फिल्म शज़ाम की सिक्वल है। ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ इस ट्रेलर में भी दुनिया को बचाने की बात हो रही है, लेकिन शज़ाम उसकी कॉमेडी और एक्शन काफी अच्छे लग रहे हैं। शज़ाम डीसी के बाकी सुपर हीरो की तरह नहीं है, ये जितना एक्शन करता है उतनी ही कॉमेडी करता है। और ऊपर से संकेत माथुरी की हिंदी वॉइस का तो क्या ही कहना, उनकी आवाज सुन के ही मजा आ जाता है। तो शज़ाम 2 का ट्रेलर भी अच्छा है, देखते हैं शज़ाम कैसे दुनिया को बचाता है और एटलस की बेटियों को कैसे रोकता है। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड 17 मार्च 2023 को रिलीज होगी। देखो, मेरे पास तुम्हारे जितना तजुर्बा नहीं है क्योंकि तुम बाबा आदम के जमाने की हो, पर मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी मूवीज देखी है मैडम। सबसे बढ़कर है फैमिली। नंबर 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। काफी लंबे इंतजार के बाद गार्डियंस की टीम दोबारा से 2023 में आने वाली है। ये एमसीयू की 32वीं फिल्म होगी और ये फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की 3री फिल्म है। जाने माने डायरेक्टर जेम्स गन ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। टीजर ट्रेलर अभी नहीं आया है, लेकिन जैसा कि एमसीयू की फिल्म है, गार्डियंस की टीम है, तो आप तो जानते ही होंगे कि इस फिल्म में काफी ज्यादा कॉमेडी के साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। कहानी की बात करें तो पीटर क्विल अपनी टीम के साथ दोबारा से ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश करेगा, तो फिल्म की कहानी इसी मिशन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। देखते हैं टीजर ट्रेलर कब तक आता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई 2023 को रिलीज होगी। नंबर 2, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। 2018 में आई मार्वल की सुपरहिट फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को तो आप सबने देखा ही होगा। एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स उसी फिल्म की सिक्वल है और ये सुपर हीरो फिल्म भी 2023 में रिलीज होगी। कहानी की बात करें तो माइल्स मोरालेस स्पाइडर वुमन के साथ मल्टीवर्स में एक खतरनाक विलन का सामना करेगा, तो इस फिल्म की कहानी भी मल्टीवर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। फिल्म के प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में फिल्म का टीजर ट्रेलर रिलीज होगा। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स 2 जून को जवान फिल्म के साथ रिलीज होगी। जी हां, शाहरुख खान वर्सेस स्पाइडरमैन। नंबर 1, द फ्लैश। सुपर हीरो फैन, खास करके डीसी के फैन, इस फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो फिल्म को काफी पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन बात करें डीसी के यूनिवर्स की तो ये फिल्म 2013 में अनाउंस की गई थी और कहा गया था कि ये फिल्म 2016 में रिलीज होगी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में बात करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन अब ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी। द फ्लैश फिल्म को एंडी मुचेस्टी ने डायरेक्ट किया है और इजरा मिलर फ्लैश के रोल में नजर आएंगे। तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी और ये फिल्म 23 जून 2023 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये थी 5 बड़ी सुपर हीरो फिल्में जो 2023 के फर्स्ट हाफ में आने वाली हैं। सेकंड हाफ की फिल्मों के बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप इन 5 फिल्मों में से किस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।